हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का सिंगर फैमिली में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं बताइए, सभी यूट्यूबर भाई और बहनों को हमारा सुबह का राम राम। तो चलिए आज नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों का साथ माता रानी का हाथ लेकर आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आज मैं बनाऊँगी दोपहर के लंच में झुरकुल की सब्जी और चावल रोटी। तो चलिए बने रहिए और आपके साथ शेयर करूंगी कैसे गांव में झुरकुल की सब्जी बनाई जाती है। चलिए बच्चों को भेजकर फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और आज का मौसम इस तरह है, यहाँ का मौसम में आज बादल लगे हुए हैं, सुबह सुबह बारिश हो चुकी है हल्की फुल्की भीगने वाली। तो बड़ा वाला मेरा बेटा नहीं जा पाया आज स्कूल, छोटा वाला भी जाएगा क्योंकि अभी थोड़ी बारिश कम है, लेकिन मौसम ख़राब है हमारे, चल रही है ठंडी ठंडी। तो चलिए मैं इस तरह का सुबह 9 बजे का नज़ारा है तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है। ये देखिए इस तरह का झंडे से पता चल रहा है कि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। आज का मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, बारिश की संभावना, बारिश हो भी रही है, सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन हो सकता है तेज हो सकती है। तो चलिए बने रहिए और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड, यहाँ पे मेरी सब्जी बनाने की तैयारी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे काट लिया आलू और आज मैं बनाऊंगी झुरकुल, यानी मिठौरी कोड़ौरी कुछ भी लोग बोलते हैं। तो झुरकुल की सब्जी, आलू टमाटर और झुरकुल की सब्जी बनेगी। तो ये मेरा, यहाँ मैंने इसको 2 मिनट के लिए पानी में डाल के रख दिया, आलू भी काट के रख दिया और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट बन चुका है। अब मैं चल रही हूँ गैस पे, कुकर चढ़ाऊँगी और आज झुरकुल आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। देखिए फ्रेंड, हमारा सारा मसाला रेडी हो चुका है, मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है। अब मैं गैस पे कुकर चढ़ा दूंगी। तो चलिए आगे का दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है और झुरकुल का मैंने पानी इसमें टॉवल में सुखा दिया है कि तेल में पानी ना रह जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे डाल के भूंज दिया है। तो इसमें मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये फ्रेंड, यहाँ पे मैंने झुरकुल को कोड़ौरी को तेल में फ्राई कर लिया है और मैंने सब्जी के लिए तेल चढ़ा दिया था। इसमें मैं डालूँगी कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरा और ये कटा हुआ प्याज, और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया, इसको हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी और मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलिए मैं इसको ग्राइंड करके फिर दिखाती हूँ आज मैं इसमें क्या करती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे झुरकुल की सब्जी बनाई जाती है। देखिए सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिया है, इसको मैं भून लूँगी, फिर जब मैं सब्जी डालूँगी तो अब इसको मैं धीमी आंच पे मसाला को भून लूँगी, फिर ये कोड़ौरी यानी झुरकुल डाल दूँगी, आलू उसको 10 मिनट के लिए पका लूँगी। और देखिए फ्रेंड, मेरी यहाँ पे सब्जी भुन चुकी है, मैं दिखाती हूँ उसका कलर आपको। ये देखिए, मैं पहले बच्चों के टिफिन के लिए थोड़ी निकाल दूँगी, फिर इसमें लगाऊँगी ग्रेवी जिसको मैं चावल के साथ खा सकती हूँ और खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी होती है। एक बार बनाइएगा जो आपके पास कोड़ौरी या झुरकुल हो, रेडीमेड में मिल जाते हैं, लेकिन ये घर की बनी हुई है। इसमें कद्दू, मतलब गाँव में कोहरा होता है सफ़ेद कलर का, उसको डाल के बनाया जाए तो इसका टेस्ट और दुगुना हो जाता है। वैसे सिंपल वाली भी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका जिसमें कद्दू पड़ जाता है तो इसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो चलिए मैं इसमें लगा देती हूँ ग्रेवी और सब्जी मेरी भुन चुकी है।
तो इसमें मैंने डाल दी है ग्रेवी। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए पका लूँगी। और यहाँ पे काट दिया मैंने हरा धनिया। इस समय तो हरा धनिया के बिना सब्जी बेरंग लगती है। और मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, फिर आप लोगों से 5 मिनट के बाद मिलूंगी। ये देखिए बादल लगे हुए थे, बारिश हो गई अच्छी खासी। देखिए सड़कें सारी गीली हो चुकी है बारिश की वजह से।